लेक टंडन जी के डायरेक्शन में सबसे पहली मूवी आई थी 1962 में, जिसका नाम था प्रोफेसर। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शम्मी कपूर, कल्पना मोहन, ललिता पवार, टुनटुन और सलीम खान। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 1 करोड़ की कमाई की और दुनिया में 2 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1966 में, जिसका नाम था आम्रपाली। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सुनील दत्त, वैजंती माला, माधवी सुलोचना, मृदुला रानी और प्रेमनाथ। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था झुक गया आसमान। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, दुर्गा खोटे, मधुमती, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी का बजट था 78 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 78 लाख की और दुनिया में 1,56,00,000 की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1969 में, जिसका नाम था प्रिंस। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शम्मी कपूर, वैजंती माला, लीला मिश्रा, हेलन, राजेंद्र नाथ और अजीत। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 4 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1969 में, जिसका नाम था जहां प्यार मिले। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लेक टंडन जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शशि कपूर, हेमा मालिनी, नादिरा, हेलन, नासिर हुसैन और जीवन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1975 में, जिसका नाम था आंदोलन। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राकेश पांडे, नीतू सिंह, अपर्णा चौधरी, नाजनीन, अजीत सिंह देओल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1977 में, जिसका नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लेक टंडन जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे प्रेम किशन, रामेश्वरी, श्यामली, लीला मिश्रा, जगदीप और मदनपुरी। इस मूवी का बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 1,75,00,000 की और दुनिया में 3,50,00,000 की कमाई। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1980 में, जिसका नाम था एक बार कहो। इस मूवी में लीड कास्ट में थे नवीन निश्चल, शबाना आजमी, किरण विराले, अनिल कपूर, सुरेश ओबरा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1981 में, जिसका नाम था शारदा। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जितेंद्र, रामेश्वरी, सारिका, कल्पना अय्यर, राज बब्बर, ओम प्रकाश और मदनपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1981 में, जिसका नाम था खुदा कसम। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, टीना मुनीम, नाजनीन, धर्मेंद्र, शक्ति कपूर, प्राण, मदनपुरी और अजीत। इस मूवी का बजट था 1,70,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1,60,00,000 की और दुनिया में कमाई की 3,20,00,000 की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1983 में, जिसका नाम था दूसरी दुल्हन। इस मूवी लीड कास्ट में थे विक्टर बनर्जी, शर्मिला टैगोर और शबाना आजमी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1983 में, जिसका नाम था अगर तुम न होते। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राजेश खन्ना, रेखा, राज बब्बर, असरानी और मदनपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1995 में, जिसका नाम था जीना नहीं तेरे बिन तेरे। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विक्टर चटर्जी और शफी इनामदार। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1997 में, जिसका नाम था दो राहें। इसको डायरेक्ट किया था लेक टंडन जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे कमलजीत सिंह, मीनाक्षी शेषाद्री, दीपक काजिर और शिवारिंदानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। लेक टंडन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2018 में, जिसका नाम था फिर उसी मोड़ पर। इस मूवी में लीड कास्ट में थे परमजीत सेठी, कनिका वाजपेयी, कमलजीत और राजीव वर्मा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। लेक टंडन जी की ये लास्ट मूवी थी, इसके बाद में इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये व्यूवर्स लेक टंडन जी की मूवीज का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन बने कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।